सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत संचार माध्यम पढ़ेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित दायरे में बीत जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का ही पता चलता था, यानी कि उनका जो दायरा था सीमित होता। सीमित होने के कारण जो घटनाएं घटती थी वो कैसी छोटी घटनाओं का उन्हें पता चलता था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। धीरे धीरे उसने समूह बनाया, समूह मतलब ग्रुप बनाया, और अधिक जानकारी पाने का प्रयास किया। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। उन्होंने अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किसका प्रयोग किया? प्राणियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे बैलगाड़ी घोड़ों का उपयोग होने लगा। यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के अवसर अब बढ़ने लगे। अब क्या क्या यंत्र युग में कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग होने लगा? साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारियाँ दूर दूर तक भेजी जाती थी। यंत्र में मुद्रण कला का प्रवेश होते ही छपी सामग्री से समाचार, कला, कथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यमों में छपाई के साथ साथ डिजिटल स्वरूप में साहित्य फैलने लगा। उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था इत्यादि में काफ़ी प्रगति हुई। कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया। अब इंटरनेट का जमाना आ गया। हमने देखा है कि किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी बहुत ही कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। क्षण भर का भी समय उसमें नहीं लगता और समाचार की घटनाएं दिखाकर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे। आज हम पहला टॉपिक लेंगे समाचार पत्र। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट माध्यम है। मनुष्य सदा अपने इर्द गिर्द होने वाले घटनाओं से परिचित होना चाहता है, यानी मनुष्य हमेशा अपने आसपास जो घटना घटने वाली है उसे वो जानना चाहता है। तो वो जानेगा कैसे? समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार टीवी चैनल के माध्यम से, मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से वो जान सकता है, या इन साधनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा है। समाचार पत्र तो हमारे जीवन का कैसा अभिन्न अंग बन गए हैं। प्रारंभ में समाचार पत्रों का उपयोग सेना के लिए किया जाता था। किसके लिए किया जाता था? सेना के लिए। आज शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य, विज्ञापन इनके लिए किया जाता है। इसे अंडरलाइन करेंगे। और सेना के लिए किया जाता था शुरुआत में, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे। हर सुबह मुद्रित रूप में हम समाचार हमारे सामने समाचार पत्र के रूप में आते हैं। समाज के विकास में समाचार पत्रों की अहम भूमिका है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था, यानी कि समाचार पत्रों में ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था, यानी कि ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे उन्होंने बहुत ही इसका महत्व बढ़ाया है। भारत में बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी में निकलते थे। इसे अंडरलाइन करेंगे। इसके साथ बंगला, उर्दू में भी समाचार पत्र निकलने लगे। इसे भी अंडरलाइन करेंगे कि बंगला और उर्दू में भी समाचार पत्र निकलने लगे। हिंदी में समाचार पत्र सबको एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादक किया। इसे भी अंडरलाइन करेंगे कि लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादक किया। लाला लजपत राय ने वंदे मातरम पत्र निकाला। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। आज़ादी के आंदोलनों में इन समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने सन 1913 में कानपुर से साप्ताहिक प्रताप का प्रकाशन शुरू किया है, आरंभ किया है, शुरू किया है। इसे अंडरलाइन करेंगे। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इन समाचार पत्रों का महत्व था। ये आज़ादी का हथियार सिद्ध हुए। गांधी जी ने हरिजन तथा यंग इंडिया का प्रकाशन किया। इसे भी अंडरलाइन करेंगे कि गांधी जी ने हरिजन और यंग इंडिया का प्रकाशन किया। मौलाना अब्दुल कमाल आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। यह लोगों से प्रतियान का प्रबल साधन था। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी इनका पता इन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता। अब हम देखते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसे हम रेडियो कहते हैं। आकाशवाणी भारत के सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा का नाम है। इसे अंडरलाइन करेंगे। आकाश से सुनाई जाने वाली वाणी जो विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से कार्यक्रमों के रूप में प्रसारित की जाती है।
रेडियो यंत्र द्वारा उसकी तरंग लंबाई को पकड़कर सुनी जाती है। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसे अंडरलाइन करेंगे सके, सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम हम आकाशवाणी के माध्यम से सुन सकते थे। ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण करती थी। हवामान यानी कि तापमान, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम उसे सुन सकते थे। इसे अंडरलाइन करेंगे हम कि ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाओं ने समाचार, हवामान तथा कार्यक्रम का प्रसारण वह करती थी। रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से इसे हम सुन सकते थे। अब रेडियो द्वारा हम गीत, समाचार, अनेक कार्यक्रम तथा विज्ञापन भी सुन सकते हैं। इसे देखा जाए तो रेडियो का प्रयोग अभी कम होने लगा है, लेकिन हम अपने दादा दादी से पूछेंगे तो उनके पास आज भी रेडियो हमें मिल जाएंगे। और हम देखे जाए तो रेडियो का प्रयोग आधुनिक रूप में उसका स्वरूप बदला है। जैसे आपने FM रेडियो सुना है, रेडियो मिर्ची सुना है, कारों में हम इसका लगाते हैं और हम सुनते हैं। तो रेडियो का किस तरह से आविष्कार हुआ था और क्या क्या उसके प्रयोग थे उसके इसमें बताया गया है। दूरदर्शन TV, नाम सुनते ही हमें अपने घर की TV याद आ गई होगी। दूरदर्शन के बारे में पढ़ते हैं। सन 1926 में JL बेयर्ड ने लोगों को टेलीविजन की भेंट दी थी। अंडरलाइन कीजिए, यह रेडियो का ही एक विकसित रूप है। रेडियो कैसे छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये बड़ा होता है और रेडियो सिर्फ हम सुन सकते थे, इसे हम देख भी सकते हैं। भारत में सन 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया। यह दृश्य श्राव्य माध्यम, मैंने आपको पहले भी बताया, इसे हम सुन भी सकते हो, देख भी सकते हैं। रेडियो को सिर्फ हम सुन सकते हैं। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम सैटेलाइट की सहायता से TV सेट के माध्यम से हमारे घर तक छोटे पर्दों के माध्यम से पहुंचते हैं। पहले प्रसारण केंद्र कम थे, अब सैटेलाइट की संख्या बढ़ी तो केंद्रों की संख्या भी बढ़ी। पहले हमें कॉलोनी में या किसी एक गांव में एक ही टेलीविज़न हुआ करता था, अब तो हम देखते हर घर में टेलीविज़न है। सभी केंद्र नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार पत्र, खेलकूद, फिल्म इत्यादि का प्रसारण करते हैं। हम टेलीविज़न में देखते हैं नाटक, संगीत, कला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाचार, खेलकूद के अलग अलग चैनल है जो इस टेलीविज़न के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। धार्मिक चैनल धर्म प्रचार करते हैं।